नमस्कार बच्चों, RCA एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और कल तक हमने पढ़ लिया था कि क्रिया संरचना के आधार पर क्रिया का भेद, क्रम के आधार पर क्रिया का भेद पढ़ लिया था, संरचना के आधार पर क्रिया का भेद पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद, के काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि काल कितने होते हैं, तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी प्रकार जो काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं वो भी तीन ही होते हैं। कौन से? भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया कौन सी होती है? वर्तमान, आपको ये तो पता होगा, भूतकाल किसको कहते हैं? बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और वर्तमान काल जो अब प्रेजेंट में चल रहा है, जो काल अब चल रहा है, वो कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। और जो आएगा आगे, जो अब आगे आएगा, वो कौन सा काल होएगा? भविष्य काल। इसी प्रकार इन क्रियाओं का आधार भी इसी प्रकार हुआ है, जैसे भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य का, बीते हुए समय में कार्य का संपन्न, यानी कि जो क्रिया हम का जो काम कर रहे हैं वो हमारा पूरा हो चुका है, बीते हुए समय में वो पूरा हो चुका है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? भूतकालिक क्रिया। जैसे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। कि जो हमारा समय बीत गया है उसी में हमारा कार्य है जो पूरा हो चुका है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? भूतकालिक क्रिया। जैसे वह विदेश चला गया, गीता ने बहुत सुंदर गीत गाया कि वह विदेश चला गया, कि वह विदेश चला गया, अब नहीं तो वो जा रहा है ना ही जाएगा, वो चला गया है, यानी कि वो जा चुका है, ठीक, वो काम कंप्लीट हो चुका है। गीता ने बहुत सुंदर गीत गाया, और गीता ने है जो बहुत ही सुंदर गीत गाया। अरे जब उसने गीत गाया तब हमने सुना, तभी तो हमें पता चला कि भाई उसने सुंदर गीत गाया। तो इसी प्रकार जो कार्य भूतकाल में हो जाता है वो भूतकालिक क्रिया, यानी कि बीते समय में जो कार्य को संपूर्ण हो जाए वो भूतकालिक क्रिया। दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य को संपन्न होने का बोध हो, कि जो समय अब चल रहा है उस समय में जो कार्य हो रहा है वो कौन सा हो गया? जो क्रिया अब हो रही है वो कौन सी हो गई? वर्तमानकालिक क्रिया। की वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है वो वर्तमानकालिक क्रिया होगी। जैसे दिया होकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। अब हम भी क्या कर रहे हैं? हम सब क्या कर रहे हैं? मैं आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगी? वर्तमानकालिक क्रिया। की वर्तमान में अब आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगी? वर्तमानकालिक क्रिया। अब तीसरी हमारी है भविष्यत्कालिक क्रिया। की भविष्यत्कालिक क्रिया कौन सी होती है? बीते हुए समय में जो क्रिया संपूर्ण हुई वो भूतकालिक क्रिया हो गई, और जो वर्तमान समय में जो क्रिया संपूर्ण हो गई है वो कौन सी हो गई? वर्तमानकालिक क्रिया। और जो भविष्य काल में, यानी कि आने वाले समय में जो क्रिया संपूर्ण होगी वो कौन सी कहलाएगी? भविष्यत्कालिक क्रिया कहलाएगी। कि जो क्रिया अब आने वाले समय में संपूर्ण होगी वो कौन सी कहलाएगी? भविष्यत्कालिक क्रिया कहलाएगी। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा भविष्य काल कौन सा होता है? आने वाला समय। तो इसमें भी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में क्रिया का क्रिया के संपन्न होने का बोध हो,
उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? भविष्यत्काली क्रिया कहते हैं। उसे भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप हैं गर्मियों की छुट्टियों में, आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हो और आप किसी से कह रहे हो कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाऊंगा, तो आप गए नहीं हो ना, अब ना ही अब फिलहाल में जा रहे हो, गर्मियों की छुट्टियों में जाओगे। ठीक, तो इसी प्रकार की मैं छुट्टियों में ये काम करूंगा या कल मैं बाहर जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा, जो भी काम आने वाले समय में पूरा हो, तो वो कौन सा होगी? भविष्यत्कालिक क्रिया होगी। जैसे जैसे आप कहो मैं छुट्टियों में कश्मीर जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, कि मैं छुट्टियों में कश्मीर जाऊंगी, तो इसमें क्या है भाई, ना तो आप गए हो पहले, जा चुके हो, ना ही अब जा रहे हो, तो यानी कि अब आगे जाओगे, तो ये क्या हो गया? भविष्यत्कालिक क्रिया हो गई। अब काल के आधार पर भी हमारी क्रिया कंप्लीट हो गई, यानी कि क्रिया हमारी संपूर्ण हो चुकी है। आज तक हमारी जो क्रिया का टॉपिक है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर जो भी क्रिया थी वो आज हमारी संपूर्ण हो गई। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कारक। तो मैं आपको इससे बता देती हूँ कि भाई ये कौन सी, आपको कौन कौन से प्रश्न इसमें करने हैं। प्रश्न नंबर एक, जैसे भविष्यकालिक क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर दो, राम कल जयपुर चला गया, राम कल जयपुर चला गया, इसमें कौन सी क्रिया है? वर्तमान कालिक क्रिया की कोई तीन उदाहरण लिखिए। तो आपको ये तीन क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।